लोकसभा में कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, जब चिराग पासवान से यह पूछा गया तो उन्होंने कई बातें बताई कि जैसे ही इस महीना के अंत तक कई बातें खुलकर आएगी, और साथ ही जब यह पूछा गया कि 6 सीटों पर चाचा और भतीजे को भाजपा यहां पर मैनेज करेगी, उन तमाम बातों को जवाब देते हुए नजर आए, और साथ ही हाजीपुर को लेकर भी हुआ कई बातें बताए हैं, वो तमाम बातें सुनेंगे इस वीडियो में कि क्या कुछ कह रहे हैं लोजपा रामविलास के चिराग पासवान। लड़ेगा नहीं लड़ेगा, कहां से लड़ेगा, ये पार्टी का संसदीय बोर्ड ही अंत में ये फैसला करेगा। और ये मतलब फेस बाय फेस ये सारी चीज़ें होती हैं, पहले सीटों को लेकर चर्चाएं होती हैं, सीटों की संख्या पहले तय की जाती है, संख्या तय होने के बाद सीटों का चयन किया जाता है, चयन होने के बाद प्रत्याशियों के नाम पे चर्चा होती है और उसके बाद उसकी घोषणा होती है, ये क्रम रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में, बट जहाँ तक आपने मीना जी की बात की है, मीना जी यकीनन लोक जनशक्ति पार्टी और बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के साथ वो जुड़ी हुई हैं। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में उन्होंने अपना समर्पण दिखाया है, स्थापना दिवस में भी हो रही है और आगामी 16 तारीख के कार्यक्रम में भी। ये अभी तक औपचारिक तौर पर मेरी जानकारी में नहीं आया है, मुझे लगता है प्रदेश में अगर इसको लेकर कोई चर्चा हो रही होगी तो उसकी औपचारिक घोषणा की जाएगी। उम्मीद, भाई उम्मीद की बात करें तो उम्मीदें तो खैर काफ़ी होती हैं, बट हाँ जब हम लोग एक गठबंधन का हिस्सा हैं तो यकीनन गठबंधन में तमाम दलों को वो सम्मान मिले, और यकीनन एनडीए गठबंधन में कई और दल भी हैं। मेरी बातचीत भारतीय जनता पार्टी के साथ चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की बातचीत अलग अलग दलों के साथ और क्या चल रही है नहीं चल रही वो मेरी जानकारी में नहीं है, बट हाँ जो मेरी अपेक्षाएँ हैं, जो मेरी उम्मीद है, उस आधार पर सकारात्मक बातचीत चल रही है। मुझे लगता है जल्द ही इसकी औपचारिक घोषणा भी कर दी जाएगी। चिराग जी, एनआईओएस बनियागिरी के अभियान की आपसे मुलाकात किए थे, आपने उन्हें भरोसा भी दिया था कि मैं शिक्षा मंत्री से मुलाकात करूंगा, क्या आपने मुलाकात किया? भाई मेरी मुलाकात का मुझे अभी तक समय वहां से नहीं मिला है, पर हाँ लिखित रूप में उन तक उनकी ये समस्या, उनकी मांग, जिसका मैं समर्थन करता हूँ, जरूर पहुँचा दी गई है। आज मैं कतई नहीं बता पाऊंगा, और देखिए ये मैं तब तक नहीं बता पाऊंगा जब तक सारे दल एक साथ बैठकर साझा प्रेस, आप सब अनुभवी हैं, ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है, हमेशा आप लोगों ने देखा है कि तमाम घटक दल एक साथ ही बैठकर सीटों की संख्या की औपचारिक घोषणा करते हैं, एक साथ बैठकर ही सीटों के चयन की घोषणा करते हैं और प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की जाती है, ये गठबंधन धर्म की मर्यादा ही है, मैं कोई नई मर्यादा का पालन नहीं करता। मुझे लगता है मंथ एंड तक इसकी घोषणा कर दी जाएगी। चुनाव नजदीक है, महबूब अली कैसर के निशान आने की चर्चा है, तो नहीं लगता है जो लोग धोखा देकर गए उन्हें वापसी कर रहे हैं, आप इस तरह का कोई उनसे अपेक्षा है आपकी? भाई ये मेरी पार्टी की चिंता का विषय है, इसे मुझ और मेरी पार्टी तक ही रहने दें, जनता को इस बात से लेना देना है कि भाई कौन कहाँ से चुनाव लड़ा, अंत में ये फैसला पार्टी का संसदीय बोर्ड लेगा। 40 जो आपने दावा किया है कि 40 की 40 लोकसभा से नहीं, मैं सिर्फ अपनी भीड़ ही नहीं, मैं मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो जनता का विश्वास हर बीतते साल के साथ बढ़ता जा रहा है, अभी तक की सरकारों में हम लोगों ने एक एंटी इनकम्बेंसी देखी थी, पर ये पहली बार केंद्र में एक ऐसी सरकार आई है जो कि हर बीतते साल के साथ प्रो कम्बेंसी की ओर ये बढ़ती है। हम लोगों ने 2014 से बड़ा जनादेश जनता के द्वारा एनडीए के पक्ष में मिलता हुआ 2019 में देखा, मेरे विश्वास है और मेरे विश्वास को जनता का उत्साह ही बढ़ाता है कि 2024 में 2019 से बड़ा जनादेश हम लोग को मिलने जा रहा है। मैं मानता हूं कि संभवतः, और ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, 400 से ज़्यादा सीटें इस बार केंद्र में एनडीए गठबंधन जीत कर भारत की संसद में हम लोग जाएँ तो ये भी बड़ी बात नहीं होगी। इसके पीछे कारण है प्रधानमंत्री जी का जनता से किया गया वादा और उन वादों को पूरा करना, मोदी की गारंटी जिसकी बात हम लोग करते हैं, मोदी की गारंटी 2014 में, 2019 में, 2024 तक वो गारंटी पूरी हुई है। लाभार्थियों की संख्या जिस तरीके से बढ़ी है और उनका विश्वास जिस तरीके से केंद्र सरकार, तो केंद्र सरकार के प्रति विश्वास, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के प्रति विश्वास, यकीनन जब मैं सभाओं में जाता हूँ जो भीड़ आती है उनमें जो उत्साह दिखता है, ये मेरे विश्वास को बढ़ाता है कि 40 की 40 सीटें हम लोग बिहार से जीते हैं। भाई मैं बिल्कुल मानता हूँ ये होता है, और इस दिशा में जिस तरीके से बिहार का प्रशासन आंखें मूंद कर बैठा है, जिस तरीके से संरक्षण में बिहार सरकार की और बिहार प्रशासन के संरक्षण में ऐसी
शर्मनाक घटनाओं को अंजाम दिया जाता है और दोषियों के नाम को महज 24 घंटे के भीतर क्लीन चिट दे दी जाती है। ये दर्शाता है कि अपराधियों को संरक्षण देने का काम बिहार की सरकार करती है। 2014-2019 में जो विपक्ष था वो यूनाइटेड नहीं था, इस पर पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है। ये ऐसा अभी तक दिख रहा है, अभी अधिसूचना आनी बाकी है, चुनावों की तारीख आनी बाकी है। क्या ये चुनाव तक ये विपक्ष इसी तरीके से एक साथ रहेगा? मुझे नहीं लगता। मेरा भी 2014 का भी अनुभव है, 2019 का भी अनुभव है, तब भी विपक्ष ने एकजुट होने का प्रयास किया था। आप मुझे बताइए ना, कैसे इन लोगों का तालमेल बंगाल में बैठेगा? क्या कांग्रेस महज 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी जो ममता बनर्जी जी इनको देना चाहती है? आम आदमी पार्टी से इनकी बातचीत चल रही है, वो आम आदमी पार्टी जो पंजाब में 13 की 13 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा पहले से ही कर चुकी है। दिल्ली में क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का समझौता हो पाएगा? क्या महाराष्ट्र में उद्धव गुट ने पहले ही घोषणा कर दी है कि भैया हम लोग 23 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़े? बिहार में ही अभी तक औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, पर 2 सीटों पर औपचारिक प्रत्याशी जनता दल यूनाइटेड के द्वारा घोषित कर दिए गए। कई ऐसी सीटें हैं मुंगेर वगैरह जैसी, जहाँ पे सब जानते हैं कि भैया कौन किस दल से वहाँ पे चुनाव लड़ेगा। तो ऐसे में क्या चुनाव आते आते तक भी ये इंडिया अलायंस एक रहेगा? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अभी तो खरमास के बाद भी भैया कई लोग खेलों की बात कर रहे हैं और बिहार में ही खेल की बात की जा रही है। और हकीकत है, व्हेन इट कम्स टू माय चीफ मिनिस्टर यू कैन नेवर से नेवर, कुछ भी संभव है जब मेरे मुख्यमंत्री की बात आती है। तो ऐसे में अभी भी गंगा से काफ़ी पानी बहना बाकी है, चुनाव आते आते तक कई और परिस्थितियां बदलेंगी। तो ऐसे में एनडीए अलायंस का स्वरूप चुनाव के वक्त क्या रहेगा, ये देखना दिलचस्प है। भाई बात करने की जरूरत नहीं है, ये सरकार की नीयत को दर्शाता है। ये ऐसी बातें हैं जो आपके संज्ञान में देकर, भाई अगर शहीदों के लिए भी अगर आपको सम्मान मांगने की ही जरूरत है तो फिर ऐसी शहादत किस काम की? अगर शहीदों के लिए भी अगर आपको मांगना ही पड़े, किसी के सामने हाथ ही फैलाने पड़े, ये वो शहीद हैं जो अपना सर्वोच्च बलिदान करते हैं हमारी सुरक्षा के। पर अगर ऐसे में भी अगर सरकारें लापरवाही करती हैं, भाई बगल के ही राज्य में चले जाइए ना, उत्तर प्रदेश में क्या कुछ सुविधाएं नहीं दी जाती हैं? पर ऐसे में अगर यहाँ पे नहीं दिया जाता है तो कहीं ना कहीं सरकार की बदनीयति को ये दर्शाता है। अब देखते हैं कौन कितने पे निपटता है। चिराग जी, चिराग मनीष कश्यप के साथ अपने मन साझा किया था। चिराग भाई, चिराग जी, सनी अब ये भी कहने की जरूरत है क्या? जी मनीष कश्यप के साथ अपने मन साझा किया था, उस पर बापू को गाली देने का आरोप है। 17 तारीख को ना साथियों, एक और निमंत्रण आप सबको, 17 तारीख को यहीं प्रदेश कार्यालय में दही चूरा का आयोजन है। आप सब आमंत्रित हैं, आए दही चूरे के साथ, दही चूरा खा कर, नहीं दही चूरे के साथ हम लोग एक नव वर्ष की शुरुआत करें और वहां से एक नए बिहार के निर्माण को लेकर हम लोग आगे बढ़े।